का ये कहना था कि इसके पूर्व पहले अतिक्रमण आज होगा यहाँ पर, अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, इसके पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी? बिल्कुल सूचना थी, इन लोगों के पास सबके पास नोटिस भेजे गए थे, सबने नोटिस देने से मना कर दिया था, अखबार में निकाला गया था, डुग्गी भिजवा के सबको बताया गया था, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जबरदस्ती कह रहे हैं कि इनके पास कोई नोटिस नहीं। सर लेकिन इनको बनने का इंतजार क्यों किया गया, जब यहाँ पर आपका हर एक कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी होता है वो हर एक एरिया के अंदर तैनात होता है, रोज सुबह वहाँ सफाई करता है, और जब ये जानकारी पल पल की आपको आपको हर एक दिन की रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ पर इस तरह के निर्माण हो रहे हैं, तो निर्माण को बनने का इंतजार क्यों किया गया? निर्माण को बनने का इंतजार नहीं किया जाता है। आपकी नीति है कि यहाँ पर कैंट एरिया के अंदर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा, जब आप लोगों की नीति है, तो जब ये इतना निर्माण हो गए, इतने आज दो दो तीन तीन मंजिला मकान बन गए हैं, और उसके बाद बनने के बाद आपके द्वारा अतिक्रमण मुहिम चलेगी? आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा? आपकी बात में समझ गया। बात यह है कि निर्माण कार्य जो इन लोग करते हैं ये सब छुट्टियों वाले दिन करते हैं, और जब यहाँ पर रात में करते हैं सब, उस वक्त हमारे पास में ये पुलिस फोर्स नहीं होती है और हमें कई सब चीज़ों का इंतजाम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम अतिक्रमण रोक पाते हैं। इनको नोटिस दिया जाता है कि रुकना है, करने से तभी रुकते, तो मानते तो है नहीं कभी भी किसी को, जैसे ही मेरे एक ईट बिछाते हैं तभी हम इनको नोटिस देते हैं कि हम इसके बाद आप काम नहीं करेंगे। जब ये कानून पर आप मानने को तैयार नहीं होते तब फिर हमें इस तरह का काम करना है। सर हमेशा एक बात के आरोप लगते रहे हैं कि जो आपके यहाँ के इंजीनियर हैं मिस्टर व्यास, इनके ऊपर हमेशा आरोप लगे हैं कि ये लोग रिश्वत लेके पहले मकान बनवाते हैं, और उसके बाद जब अतिक्रमण मुहिम चलती है उस समय पर ये मौके पर नहीं आते हो कि इनको जनता का भारी विरोध सहन करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने पैसे लिए हैं। ऐसा वही है, इस बार की सिविल एरिया कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सभी पार्षदों को कहा था कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी एक रिश्वत का मामला मेरे सामने मैं प्रूफ के लेके आए तो मैं उनको उसी वक्त डिसमिस कर दूंगा। हाँ तो किसी तरह से कोई भी केल ये लोग मुंह हिलाते हैं, मेरे पास प्रूफ लेके आए कि इन लोगों ने कोई हमारे कर्मचारियों ने लिया, मैं उसको सबसे पहले डिसमिस कर। क्या ये अतिक्रमण मुहिम आज खान कॉलोनी में शुरू हुई, यहीं पर खत्म हो जाएगी? पूरे शहर के अंदर चलेगी। सर अभी फिलहाल मकान बनने की कितनी परमिशन है? अब मेरे को नंबर याद नहीं है, पर जिसके मकान का परमिशन दे रहा हूँ सब नहीं, कितनी मंजिल है, कितनी मंजिल है, एक फ्लोर, दो फ्लोर? ऐसा है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड प्लस टू अलाउड है, वो सड़क की चौड़ाई पे निर्भर करता है, कितनी सड़क की चौड़ाई है उसके बेसिस पे 30 फुट तक के मकान हम बनाने दे सकते हैं। सर शहर में 5-5 मंजिल खड़ी हो चुकी है, वो है गलत है, जिनको उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और उसने भी आरोप है कि आपके कैंटोनमेंट के कर्मचारी द्वारा। मैं बता तो रहा हूँ, आरोप लगा रहे हैं, कोई मेरे को साक्ष्य तो दे। सर यदि गुपचुप में यदि कोई काम होता है तो उसका कहाँ से सबूत? साक्ष्य तो दे मेरे को, जो गलत काम कर रहे हैं वही हमारे गलत लोगों को साथ में फंसा रहे हैं, अगर मेरे को साक्ष्य दे कि इसके खिलाफ है, मैं कल उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर जो भविष्य में जो शहर में बन रही है 5 मंजिल, उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल होगी सर, आज भी चल ही रही है निर्माण, भी काम चल रहा है, काम चल रहा है शहर में, काम चल रहा है, वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चलो भाई।